सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी रचना पुस्तक से पाठ 6 संज्ञा के विकार लिंग वचन तथा कारक के अंतर्गत वचन का अध्ययन करेंगे। तो आइए आप भी अपने पुस्तक में पृष्ठ संख्या 55 निकालकर उस पर आज के दिनांक लिखिए। बच्चों, वचन शब्द अंग्रेजी के नंबर शब्द का पर्याय है। नंबर का अर्थ है संख्या, अर्थात वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक है या अनेक है का पता चले उसे वचन कहते हैं, जैसे कमरा, कमरे, लड़का, लड़के इत्यादि। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे एक वचन। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है एक वचन कहलाते हैं, जैसे कमरा, ताला, चम्मच, थाली इत्यादि। दूसरा है बच्चों बहुवचन। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का पता चले बहुवचन कहलाते हैं, जैसे कमरे, ताले, चम्मचें, थालियां इत्यादि। कुछ शब्द सदैव एक वचन में होते हैं, जैसे बारिश, पानी, दूध, जनता इत्यादि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में होते हैं, जैसे आंसू, हस्ताक्षर, प्राण इत्यादि। कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में समान रहते हैं, जैसे पेड़, हाथी, योद्धा, बाजार इत्यादि। बच्चों, वचन परिवर्तन के कुछ नियम भी हैं, आइए हम भी इन्हें जानें। पहला नियम है, शब्द के अंत में अगर अ हो तो अ को ए में बदलकर वचन परिवर्तित किया जाता है, जैसे किताब, किताबें, आंख, आंखें, रात, रातें इत्यादि। दूसरा नियम है, शब्द के अंत में अगर आ आए तथा शब्द पुल्लिंग हो तो आ को ए में बदलकर वचन परिवर्तित किया जाता है, जैसे लड़का, लड़के, थैला, थैले इत्यादि। तीसरा नियम है, शब्द के अंत में अगर आ आए तथा शब्द स्त्रीलिंग हो तो शब्द में ए जोड़कर वचन परिवर्तित किया जाता है, जैसे सभा, सभाएं, माला, मालाएं इत्यादि। चौथा नियम है, शब्द के अंत में अगर छोटी ई तथा बड़ी ई हो तो इन्हें इया में बदलकर वचन परिवर्तित किया जाता है, जैसे दवाई, दवाइयां, तिथि, तिथियां इत्यादि। पांचवा नियम है, अगर शब्द के अंत में या हो तो या को या में बदलकर वचन परिवर्तित किया जाता है, जैसे चुहिया, चुहियां, डिबिया, डिबियां इत्यादि। छठा नियम है, कुछ शब्दों में समूहवाची शब्द जोड़कर वचन परिवर्तित किया जाता है, जैसे नेता, नेतागण, पक्षी, पक्षीवृंद, लेखक, लेखकगण इत्यादि। तो बच्चों, आज हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या एक है या अनेक है का पता चले वचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन के द्वारा एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है और बहुवचन के द्वारा एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का पता चलता है। बच्चों, आप भी इस पाठ को 2 से 3 बार पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए तथा पुस्तक में दिए गए वचन परिवर्तन को भी पढ़िए। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।